अब हम राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट को पढ़ते हैं। राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट है और ये वेनस ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम होल बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना केवा, फ्रॉम अपर एंड एंड इन्फीरियर केवा, इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम लोअर एंड। फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड को पंप करता है इन टू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम हार्ट का राइट बॉर्डर भी बनाता है और साथ में ये स्टर्नोकोस्टल सरफेस और बेस भी बनाता है हार्ट की। ये है उसकी बेस ऑफ द हार्ट। अब हम एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द राइट एट्रियम पढ़ते हैं। राइट एट्रियम वर्टिकली इलांगेटेड है और ये अपर एंड पर रिसीव करती है सुपीरियर वेना केवा। इसके अपर एंड पर है इंटर होती है इसमें सुपीरियर वेना केवा और इसके लोअर एंड जो है वहाँ पर ये रिसीव करती है इन्फीरियर वेना केवा। ये हैं इसके मेन फीचर्स। राइट वेंट्रिकल का जो अपर एंड है इसका अपर एंड प्रोलॉन्ग्ड है टुवर्ड लेफ्ट। अपर एंड जो है वो होता है प्रोलॉन्ग्ड टुवर्ड लेफ्ट और ये एक ईयर बनाता है, इसको बोलते हैं राइट आरिकल। ईयर लाइक प्रोजेक्शन है एक तरह की और इसको बोलते हैं राइट आरिकल। और ये राइट आरिकल रूट ऑफ असेंडिंग एआर्टा को कवर करती है, यानी रूट ऑफ असेंडिंग एआर्टा इज कवर्ड बाई राइट आरिकल। ये रूट ऑफ असेंडिंग एआर्टा को कवर कर रही होती है, ये इसका मेन फीचर है और मेन फंक्शन है। अब इस राइट एट्रियम के जो मार्जिन हैं वो नॉच्ड हैं, इसके मार्जिन जो हैं वो नॉच्ड हैं और इसकी जो इंटीरियर सरफेस है वो स्पॉन्ज लाइक है, वो है स्पॉन्ज लाइक। इसके ये दो फीचर्स एक फंक्शन को प्ले करते हैं, यानी ये ब्लड के फ्री फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट फ्री फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के फ्री फ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं। ये दो मेन फीचर्स, इसका जो फ्री फ्लो है वो प्रिवेंट हो जाता है यहाँ पर इसी फीचर्स की बिना पर। अब इस राइट एट्रियम के राइट बॉर्डर पर एक ग्रूव है, यानी राइट बॉर्डर एक इसके पास एक ग्रूव है, इसका राइट बॉर्डर एक ग्रूव है, इसको ग्रूव को बोलते हैं, एक ये एक शैलो डिप्रेशन है, इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनेलस, सल्कस टर्मिनेलस। अब इस सल्कस टर्मिनेलस को एक कवर है जो प्रिवेंट करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको बोलते हैं करिस्टा टर्मिनेलस। ये है करिस्टा टर्मिनेलस, पिक्चर में हम देखते हैं, इसको बोलते हैं करिस्टा टर्मिनेलस। और ये इस सल्कस टर्मिनेलस में हार्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेस मेकर है, उसको बोलते हैं एस ए नोड, एस ए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, जो हार्ट के रिदम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। अब पिक्चर में हम देखते हैं, अब इसमें हम वो तमाम फीचर्स डिस्कस करते हैं। या सबसे पहले देखते हैं कि ये है राइट आरिकल, ये राइट एट्रियम के राइट बॉर्डर पर होती है राइट आरिकल। इसके बाद यहाँ पर ये है सुपीरियर वेना केवा इंटर हो रही है फ्रॉम अपर एंड, और यहाँ पर ये लोअर एंड पर या इन्फीरियर वेना केवा इंटर हो रही है इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ पर ये है करिस्टा टर्मिनेलस, ये है करिस्टा टर्मिनेलस, ये वो फ्लैप है जो कवर कर रहा है सल्कस टर्मिनेलस को। ये है वो सल्कस टर्मिनेलस जहाँ पर एस ए नोड ऑफ द हार्ट यानी साइनो एट्रियल नोड, ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट है, बैटरी ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट की लाइक ये फंक्शन प्ले करता है, इसको बोलते हैं एस ए नोड। यहाँ से वो इम्पल्स जाती हैं जो हार्ट की कंट्रेक्शन कराती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पर एक राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। अब इस राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में एक आर्टरी यानी राइट कोरोनरी आर्टरी लाई करती है जो कि हार्ट की वॉल्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब हम पढ़ते हैं ट्राइब्यूटरीज और इनलेट्स ऑफ राइट एट्रियम। ट्राइब्यूटरीज या इनलेट्स ऑफ राइट एट्रियम वो स्ट्रक्चर हैं, वो चैनल्स हैं या वो ब्लड वेसल्स हैं जो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में इंटर हो रही होती हैं और ब्लड हार्ट में लेकर जाती हैं इसके इस चैम्बर में राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर पहली ट्राइब्यूटरी है सुपीरियर वेना केवा, फिर इन्फीरियर वेना केवा, देन आती है कोरोनरी साइनस, फिर एंटीरियर कार्डियक वेन्स, फिर विनी कार्डस मिनिमी,
इनको थिबीसियस वेंस भी कहते हैं, समटाइम्स राइट मार्जिनल वेंस। तो ये हैं ट्राइब्यूटरीज और इनलेट्स ऑफ द राइट एट्रियम। ये सब सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, इंटीरियर कार्डियक वेंस, वेनी कॉर्डिस मिनिमी, जिनको थिबीसियस वेंस भी कहते हैं, और राइट मार्जिनल वेंस समटाइम्स भी होती है। कुछ राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस को भी हाईलाइट करते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस एक पैसेज है ऑफ फॉर द ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। अब इस राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस में एक वाल्व है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड वाल्व का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। तो ये था राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। अब हम इस पिक्चर के थ्रू राइट एट्रियम के तमाम इंटरनल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। अब ये है यहाँ पर असेंडिंग एओर्टा, दिस इज असेंडिंग एओर्टा, ये है इन्फीरियर वेना केवा, ये है सुपीरियर वेना केवा, ये हैं पल्मोनरी वेंस, ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं फोसा ओएलएस, यानी ओवल शेप फोसा, फोसा ओएलएस, ये एक ओवल शेप फोसा है। इसके दरमियान अंदर जो एक फोसा है उसको कहते हैं लिम्बस फोसा ओएलएस। इसके अंदर ये जो शेप है इस तरह, इसको कहते हैं लिम्बस फोसा ओएलएस, लिम्बस फोसा ओएलएस। ये सारे का सारा राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। अब ये जो सेक्शन हम देख रहे हैं, ये कट किया गया है अलॉन्ग कोरोनरी सल्कस, यानी कोरोनरी सल्कस के अलॉन्ग इसके कट किया गया है। फिर हम ये ऊपर से एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कट करने के बाद। अब ये जो zigzag स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। ये है क्रिस्टा टर्मिनलिस, जो एक स्ट्रक्चर यानी सल्कस टर्मिनलिस को प्रोटेक्ट करती है। ये है क्रिस्टा टर्मिनलिस। अब यहाँ पर ये है इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी जो दो एट्रिया को आपस में सेपरेट करती है, ये एक सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम। इसमें वो फोरामेन भी होते हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान सेप्टम प्राइम और सेप्टम सेकेंडम डेवलप कर रहे होते हैं, वो भी इसी सेप्टम में होते हैं। साथ में जो फोरामेन ओएल होता है वो भी यहीं पर होता है, उसकी भी लोकेशन यही होती है। अब यहाँ पर कुछ पेक्टिनेट शेप मसल्स होते हैं, मसल के फाइबर्स होते हैं, इनको कहते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेटी। ये हैं मस्कुलाई पेक्टिनेटी, स्मॉल मसल्स, मस्कुलाई पेक्टिनेटी, बिकॉज दे आर पेक्टिनेट शेप। अब इन्फीरियर वेना केवा के यहाँ पर ओपनिंग पर एक वाल्व होता है, रूडिमेंट्री वाल्व, इसको कहते हैं यूस्टेकियन वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व। अब इन तमाम स्ट्रक्चर्स की थोड़ी थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ये है यूस्टेकियन वाल्व। अब मस्कुलाई पेक्टिनेटी, ये मसल्स के पेक्टिनेट फाइबर्स होते हैं यहाँ पर, इनको मस्कुलाई पेक्टिनेट कहते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है ये दो एट्रिया को आपस में सेपरेट करता है, और यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान सेप्टम बनते हैं, इनको कहते हैं सेप्टम सेकेंडम और सेप्टम प्राइमम। साथ में यहाँ पर फोरामेन ओएल होता है, फोरामेन ओएल जो बाद में ये रिग्रेस हो जाता है और ये क्लोज हो जाता है, वन मंथ आफ्टर बर्थ ये फोसा जो होता है ये क्लोज हो जाता है। यहाँ पर क्रिस्टा टर्मिनलिस है जो सल्कस टर्मिनलिस को प्रोटेक्ट करती है, और जो सल्कस टर्मिनलिस है वहाँ पर होता है एस ए नोड, यानी पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ये होता है एस ए नोड। यहाँ पर पल्मोनरी वेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और ये लंग से ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाती हैं, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ से ये सिस्टली के दौरान पूरी बॉडी को ब्लड पंप किया जाता है। ये है राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू दी राइट लंग फॉर ऑक्सीजनेशन। ये है सुपीरियर वेना केवा, और ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम अपर बॉडी थोरिक्स एंड अपर
बॉडी यानी हेड नेक एंड अपर लिम्ब एंड थोरिक से ब्लड को लेकर आ जाती है इन टू द राइट एट्रियम। तो ये था राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट।